उसे उत्तरी पहुंचने के बाद उसने अपनी जान बचाने की कोशिश की, लेकिन पीछे से तेज अनहदी सुनाई दी। बाघ वास्तव में अंधेरे में बौखलाया था। लड़का भ्रम खाता है और रास्ता नहीं देखता है। उसने बेख्याली से एक मनुष्य के जाल में गिरा। लड़के की चीख जंगल भर में सुनाई दी और तेंदुआ ने उसे सुन लिया। धन्यवाद भरे कर्म के आधार पर लड़के का शरीर अक्षत था। उसने भाग्यशाली रूप से घातक नोक से निपट लिया, पर बाघ तो गुफा के बाहर घूम रहा है। वह ऊपर ही चढ़ जाता तो भी मारा जाता। लड़का समझ ही नहीं पा रहा था कि क्या करे, तो भारी कदमों की आवाज ऊपर से आई। बाघ ने देखा कि नीचे कुछ गिर रहा है और उसने लड़के के शरीर पर लपेट लिया, फिर उसे हवा में उछाल दिया। जब वह ऊपर आया तो उसने प्राणी को देखा। वह जहां का तहां थम गया। जंगल से आया हाथी ने उसे बचाया। ये बूढ़ा हाथी काई से ढका हुआ था। सबसे खास उसकी टूटी हुई दाढ़ थी। हाथी ने कुछ ना मांगे और चला गया। लड़के के पास समय नहीं था खोने के लिए। वह पैंथर का पीछा करके तेजी से निकल गया, मगर पैंथर को होश आ गया। अब जंगल लड़के के लिए स्थान नहीं था। उसे इंसानों की बस्ती में जाना चाहिए, क्योंकि बाघ इंसान की आग से डरते हैं। यहीं पर उसकी सुरक्षा होगी। लड़का इसे अपना घर बना चुका था। वह जाने को तैयार नहीं था। पैंथर ने उसे समझौता किया, अगली बार भेड़ियों के शिकार में पहले आएगा तो उसे यहाँ रहने देगा।